नंबर पैटर्न्स अगेन इस केस में शेप कैसा, शेप इज सेम एज प्रीवियस, इसलिए शेप के रिस्पेक्ट में कोई भी कंडीशन चेंज करने की जरूरत नहीं। अगेन शेप के लिए कंडीशन कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, दैट वन आई मिसेस पार्ट के लिए सेटिस्फाई क्या करें, आई इज लेस देन जे इन एवरी केसेस, आई का आई और जे में रिलेशन क्या जनरेट हो रहा है स्पेसिस के रिस्पेक्ट में, आई वैल्यू इज लेस देन जे, देन व्हाट इज द वैल्यू फॉर डिस्प्लेइंग रिक्वायर्ड पैटर्न्स। इस केस में जस्ट अगर एग्जैक्टली ऑब्जर्व किया जाए फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में जब आई और जे का वैल्यू क्या है, वेन एवर आई एंड जे फर्स्ट वन, आई और जे का वैल्यू क्या है वन, देन रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है ऑल्सो वन, रिक्वायर्ड वैल्यू इज वन। नेक्स्ट वन सेकेंड टाइम आई का वैल्यू क्या है टू, जे का वैल्यू क्या है इस केस में वन, इस केस में रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है टू। नेक्स्ट टाइम सेकेंड केस रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है वन, वन के लिए इंडेक्स्ड पोजीशंस क्या है आई और जे के फॉर्म में टू टू, आई इज टू जे इज टू एंड रिक्वायर्ड वैल्यू इज वन। नेक्स्ट थिंग्स अगेन थ्री, रिक्वायर्ड वैल्यू इज थ्री, देन थ्री के केस में इंडेक्स्ड पोजीशंस क्या है थ्री वन, नेक्स्ट टाइम क्या है थ्री टू, थ्री वन के केस में एलिमेंट क्या था थ्री, थ्री टू के केस में एलिमेंट क्या है एलिमेंट इज टू। नेक्स्ट टाइम थ्री थ्री, थ्री थ्री के केस में एलिमेंट क्या है एलिमेंट थ्री थ्री के अकॉर्डिंग वन, लाइक दैट। इसके साथ फाइनली रिलेशन क्या क्रिएट हो रहा है, चेक इट, इफ आई माइनस जे प्लस वन, अगर इसमें ऐड क्या करा दिया है माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, वैलिड। नेक्स्ट टाइम टू माइनस वन प्लस वन, इसका डिफरेंस क्या आएगा टू, जनरेट क्या रहा ऑल्सो टू, टू माइनस टू प्लस वन, इसे एक्सप्रेशन क्या है इसके इसमें आई माइनस जे प्लस वन। नेक्स्ट टाइम टू माइनस टू इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, जनरेट भी क्या हुआ है वन। थ्री माइनस वन इज टू प्लस वन, इसके इसमें क्या आएगा थ्री, जनरेट क्या रहा थ्री, माइनस वन प्लस वन सॉरी माइनस टू प्लस वन, थ्री माइनस टू इज वन, वन प्लस वन इज टू, जनरेट क्या हो रहा है टू। जिस केस में इस गिवन एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड पैटर्न मैनेज करना पॉसिबल है, सिंपली राइट डाउन क्या करना है इनसाइड एल्स ब्लॉक आई माइनस जे प्लस वन।